हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आपके सामने लगा हुआ पीसी ज्वेलर्स का टेक्निकल चार्ट। तो देखिए, आज हम बात करने वाले पीसी ज्वेलर्स के बारे में और आज डेट है 22 नवंबर, और अगला नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो 26 नवंबर को होगा और मार्केट कल ऑफ है 23 नवंबर को। तो चलिए फिर बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। जैसा कि आज ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं 78.70 पे, यानी कि तकरीबन 79 आप मान लीजिए इस पे इसकी ओपनिंग रही है। और देखिए, ये क्लोज हुआ था कल 78.35, यानी कि ओपनिंग अच्छी खासी हुई इसकी, जैसा मैंने आपको बताया था। और देखिए, आज जो इसने लो लगाया वो लगाया 76.5, और देखिए आज इसकी क्लोजिंग जो रही है वो हुई है 76.65, और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 21,000 के करीब सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो हम इसी प्रोस्पेक्टिव में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आज आप मार्केट को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेयरिश है। ठीक है, आपको बेयरिश महसूस होगा कि ये जो बाद में बेयरिश सा बंद हुआ है मार्केट हमारा, उस चीज के बारे में देखते हैं। मैंने चार्ट को बड़ा करके लगा रखा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट अगर आप देखेंगे तो रेड रेड आपको बाद में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इस चीज की वजह से आपको लग रहा होगा कि मार्केट में कहीं गिरावट तो नहीं आएगी नीचे की तरफ। देखिए, कभी डिक्लिनेशन तो नहीं आने वाला, डिक्लाइन तो नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ये रेड कलर की। ठीक है, तो मैं आपको इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं अब बेयर्स हावी हो गए हैं इसके ऊपर, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई आज। देखिए, अब क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक चीज होती है कैंडलस्टिक में जिसे बोलते हैं हरामी पैटर्न। ठीक है, तो ये देखिए एक जापानीज वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। ठीक है, ये जापानीज वर्ड है हरामी, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। आप देखिए इसका मतलब क्या है और ये कैसे कैंडल्स में कैसे यूज किया जाता है, इस चीज को मैंने बताने के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि ये पैटर्न मेरे को दिखाई दिया। अब देखिए, कल हमने डिस्कस किया था एंगल्फिंग के बारे में। अब देखिए, एंगल्फिंग में जो बनती है वो किस तरीके की होती है, अगर मान लीजिए कैंडल ये बनी है तो अगली कैंडल जो होगी और वो इससे अगर बड़ी है, मान लीजिए ये कैंडल थी हमारी व्हाइट, यानी कि हमारी थी ये ग्रीन वाली कैंडल, और ये कैंडल हमारी है रेड। ठीक है, तो देखिए ये जब भी बनेगा तो देखिए हमारा जो मार्केट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर पहली कैंडल होगी हमारी रेड और दूसरी जो एंगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना, यानी कि पहली वाली जो कैंडल है उसको दूसरी वाली कैंडल ने कवर किया। ठीक है, वो उससे बड़ी है दूसरी वाली, और उसके बाद जो मोमेंटम है वो बदल जाएगा। अगर ये ग्रीन होगी और ये होगी रेड, तो देखिए ये ऊपर की तरफ चला जाएगा मार्केट, और आपने देखा होगा हाथों हाथ ये चीजें एकदम दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हरामी वाला, ये इस तरीके का नहीं है जैसे कि आपको हाथों हाथ दिखाई देता है एंगल्फिंग में, और दो चार और होते हैं रिवर्स पैटर्न में जो एकदम हाथों हाथ आपको दिखाई देते हैं। ये आपको थोड़े से समय के बाद महसूस होते हैं कि आखिर इन कैंडल का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं इतना इलेबरेट करके आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो देखिए, ये वही पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है, और जो मैंने आपको बताया इस वर्ड का मीनिंग, जो प्रेग्नेंट होता है तो उसका क्या मतलब। देखिए, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल है ये है मदर। ठीक है, और जो इसके साथ वो ग्रीन वाली कैंडल है ये है इसका बेबी। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए जब भी ये कैंडल बनेगी, इस चीज को आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है, गिरते हुए मार्केट में जब भी ये बनेगी कैंडल, इसका मतलब होता है कि अब जो मार्केट है वो थोड़ा सा स्लीप सोने वाला है। ठीक है, अब सोने वाला है तो मतलब क्या है, और आसान भाषा में अगर हम समझे तो भाई, जो सेलिंग आपका जितनी भी सेलिंग वाला मटेरियल था, यानी कि आपकी जितनी सेलिंग हो रही थी वो प्रेशराइज होने वाली है, वो सारा का सारा प्रेशर गायब होने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट अब जो है बुलिश होने वाला है। ठीक है, इस वाली कैंडल का मतलब ये होता है। तो क्या यही कैंडल बनती है हमेशा, नहीं। देखिए, कैंडल और भी बनी है, इसी वजह से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। देखिए, ये भी बनी है एक, ये भी देख लीजिए आप, ये दो कैंडल है, एक ये ग्रीन वाली और एक ये रेड वाली। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों कैंडल के बारे में, एक ये ग्रीन वाली और देखिए ये की ये रेड वाली। ठीक है, अब आपको देखने वाली बात क्या है इसमें, देखिए अब ये जो कैंडल बनती है इन कैंडल्स में जो होता है हरामी पैटर्न में, इनका कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे कलर, जैसे एंगल्फिंग में कलर जो है मैटर करता है, लेकिन इसमें कलर मैटर नहीं करता। तो देखिए, जब ये कैंडल बनेगी और आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि देखिए अगर आप यहीं कहीं इसके आसपास आप खरीद लेते, बाइंग करते, तो आप देखिए यहाँ पर निकल सकते थे आसानी से बेच के, तो देखिए इतना आपका प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए के तकरीबन आपका प्रॉफिट बनता। तो आप ये चीज देखिए कि
ये जो पैटर्न है लेकिन इसमें पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। हालांकि हम इंट्राडे करते हैं, एंगल्फिंग और दूसरे और भी रिवर्स पैटर्न होते हैं, जो उनमें से कुछ मैंने आपको नहीं बताया है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा, ठीक है, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब भी ये बनेंगे तो आप याद रखना मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल नहीं होता ज्यादा, ठीक है, इनके अंदर इतना दम नहीं होता, ये मार्केट को ऊपर ले जाने में किसी तरीके से कारगर नहीं होते। इसी तरीके से एक दो पैटर्न और जगह बने हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज आज बनी है, इसलिए मैंने सोचा इनके बारे में आपसे बातचीत कर लूं। तो देखिए एक ये यहाँ बना है, और अगर आप चीज देखें, ये देखिए यहाँ पर ये पैटर्न इधर बना, याद रखिए पहली कैंडल बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है, ठीक है, ठीक है, दूसरी कैंडल छोटी होती है, पहली बड़ी होगी और दूसरी वाली छोटी होगी, ठीक है, तो ये चीज आपको इस चीज को याद रखना है, ये एंगल्फिंग की तरह नहीं है कि पहली कैंडल छोटी होगी दूसरी कैंडल बड़ी बनेगी। एंगल्फिंग में क्या होता है, कवर करना होता है, पहली कैंडल को दूसरी कैंडल कवर करती है, लेकिन हरामी पैटर्न के अंदर होता है कि पहली जो होती है वो मदर होती है, यानी माँ बड़ी होगी बच्चा छोटा होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है इस चीज को। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे बना है, तो ठीक है, अब ये पैटर्न किस तरीके बना रहा है, ये यहाँ पे इसको बेयरिश पैटर्न बना रहा, ठीक है, इसने इसको यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बनाया है, तो आपको इन्हीं चीजों को सीखना है और मैं इन चीजों को आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जो बना है, ठीक है, ये चीज बनी, लेकिन ये चीज ज्यादा कारगर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब ये बुलिश वाले उसमें बनेगी तो देखिए मार्केट जो है यहाँ से बेयरिश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये मार्केट देखिए यहाँ से बेयरिश हो जाता है, लेकिन जो मैटर करता है वो ये चीज करती है कि देखिए ये दोनों कैंडल है, देखिए ये दोनों कैंडल जो है ये भी हमारी हरामी पैटर्न में ही आती है। देखिए जो मेन चीज होती है इनका रिलेशनशिप होता है, यानी कि शेडो मैटर नहीं करती, रियल बॉडीज मैटर करती है, यानी कि जो छोटी वाली ग्रीन बॉडी और ये रेड वाली बॉडी, ठीक है, और इन ये बिल्कुल उस तरीके से काम नहीं करती जैसे एंगल्फिंग करती है या और भी हमारे पैटर्न होते हैं रिवर्स पैटर्न जो एकदम हाथों हाथ चीजें दिखा देते हैं, ठीक है, ये मार्केट को स्लीप मोड में ले जाते हैं, और स्लीप मोड में इनका जो बेसिकली सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये बताते हैं कि मार्केट जो है सेलिंग प्रेशर को झेल चुका और कहीं ना कहीं मार्केट अब बुलिश होने के लिए तैयार है। तो देखिए वही चीज मैंने आज बनाई है, और इसलिए मैंने ये चीज आपको इसी पर्पज से वीडियो बनाई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लगता है, इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद डर सा लगता है कि पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट कहीं नीचे तो नहीं जाने वाला, तो देखिए मेरे प्रोस्पेक्टिव में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ये तो एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए कि मार्केट में सेलिंग ऑफ हो रही है, ठीक है, और चलिए बाकी हम देखते हैं 26 नवंबर में किस तरीके के रिजल्ट्स रहते हैं, चलिए फिर देख लेते हैं, और आज इसकी डिलीवरी देख लेते हैं, ये एनएससी की वेबसाइट है, देखिए आज इसकी डिलीवरी जो है वो तकरीबन 11% रही है, यानी कि कल के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी भी कम ट्रेड हुई है और क्वांटिटी डिलीवर भी थोड़ी कम हुई है 12 लाख, लेकिन चूंकि आज अगर आप देखेंगे रिपोर्ट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा FFI ने आज थोड़ा सा पैसा मार्केट से निकाल दिया, इस वजह से मार्केट जो है गिरावट आई है। आप ये मत सोचना कि मार्केट में जो गिरावट आई है उसकी कोई और वजह है, सिर्फ FFI ने आज पैसा निकाला है, काफी सारा विड्रॉ किया है, उस वजह से आपको हल्की गिरावट दिखाई देगी, ठीक है, और ये बस कुछ समय के लिए है, और मैं एक्सपेक्टेड 26 नवंबर को मेरे हिसाब से तो अच्छा मार्केट ही ओपन होना चाहिए, ठीक है, और चलिए देख लेते हैं इसका आज ऑप्शन चैन भी देख लेते हैं किसी ज्वेलर्स की, और ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को लंबी बिल्कुल नहीं बनाना। तो देखिए आज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी अनवाइंडिंग हो रही है इस तरफ, और आप देखेंगे कहीं पे भी रेजिस्टेंस कोई खास दिखाई नहीं देगा आपको, और सपोर्ट पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 75 पे, इसी वजह से मार्केट भी आज 76 पे होल्ड होके रह गया, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जो है 75 पे अभी भी है, ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं रखना है, तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो, और देखिए शेयर करते रहिए, चलिए थैंक यू।